पहली दफा मैं आया था, इन्होंने मुझे शूट नहीं करने दिया, यहाँ पे नहीं शूट करने देते, अलाउ नहीं करते, फिर इनकी वीडियो इतनी वायरल। नाज़रीन कराम, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ द इस्लामाबाद फूड सीरीज। तो भाई आज हम मौजूद हैं G9 मार्केट्स के अंदर। तो भाई पहले एपिसोड में हम आपको बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि G9 में कौन कौन से डिफरेंट मशहूर स्पॉट्स हैं, उसमें पुलाव हैं, उसमें समोसे हैं, उसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आज के फर्स्ट डे पे हम जो है वो आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या क्या हमें मिलता है। अच्छा भाई, तो ये है इस्लामाबाद का अल मशहूर मलंग जान बीफ पुलाव, और ये ज़रा चेक करो भाई, ओए होए होए, एक एक बॉडी का साइज़ चेक करो, पुलाव की ज़रा खुशबू, आए हाय 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 भाई। तो रियलिटी ये है कि बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता है कि बीफ पुलाव एग्जिस्ट करता है, बट इट्स वेरी पॉपुलर और इट हैज़ टू बी इन द टॉप 3 इन इस्लामाबाद 100%। ये ज़रा चेक करो, जाइगेंटिक नली, ठीक है, डायनासोर नली से मैं कहता हूँ, और ये आपको मिलेगी मलंग जान बीफ पुलाव पे। चेक करो यार, मतलब सिर्फ इसका साइज़ चेक करो, इसके ज़रा डायमेंशन चेक करो ज़रा, ओए होए 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 होए। तो भाई इस्लामाबाद को ज़रा इजी ले गए थे तुम लोग, अभी ज़रा दिखाता हूँ और क्या आगे। अच्छा भाई, तो ये जो प्लेट आपके सामने है, ये सिर्फ 250 रुपीज़ की है, बीफ पुलाव की प्लेट है, और द बेस्ट पार्ट इज़ यार कि एक बंदे के लिए काफ़ी, मेरे ख्याल से एक बंदे के लिए काफ़ी है। जो प्राइस है पुलाव की वो बेसिकली 1000 रुपीज़ पर किलो है, ठीक है। तो अगर आप 250 की आराम से एक प्लेट बना सकते हैं, ईज़िली एक बंदे के लिए काफ़ी। अभी तो हम सारे बॉयज़ मिलकर खाने लगे हैं, तो मैं टेस्ट टेस्ट भी करा के बताऊँगा आपको कि बॉयज़ को कैसा लगता है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ रिव्यू पर ना जाना, बॉयज़ के रिव्यू पर जाना। आ जाए भाई, एक बंदा आ जाए। तो भाई हमारे पहले कंटेस्टेंट है मिस्टर रिहान खलील। रिहान खलील, आप ट्राई करके बताएंगे हमें। मैं खाता नहीं हूँ ये भाईजान, चिकन बीफ नहीं खाते। सैड, प्रेस एफ फॉर टू पे रिस्पेक्ट, सारे सैड रिएक्ट कर दें, भाईजान बीफ नहीं खाते। ले भाई वैसे पुलाव चख लेना, चावल तो चख, सिंपल चावल तो चख सकता है, सिर्फ चावलों के टेस्ट पे अपनी रेटिंग देनी है। भाई सिक्स आउट ऑफ टेन भाई, बड़े क्रिटिकल रेटिंग दी है। एरन आने आ जाए भाई, एरन एरन शहजाद आ चुके हैं, प्रॉपर सी बाइट, प्रॉपर बाइट ले अपनी, कोई वो नहीं, जो अपनी बनती है। एक दफा एक और ले ले, है मजे का, मजे का भाई। रेटिंग क्या है? रेटिंग 9 या 8 भाई, 9 या 8। ये इसको पता ही नहीं पुलाव का, पता ही नहीं, इसके कैमरा करके बताया इसे, इसे काटता ही नहीं, इसे पता ही नहीं पुलाव होता है क्या। आ भाई आ जाए नेक्स्ट बंदा, राइडर आए हमारे, ये राइडर साहब आ चुके हैं, राइडर साहब जो है वो पहले अपनी बाइट लेने लगे हैं। सेवन आउट ऑफ टेन, दस्ती मुकाओ जी, ठीक है। कौन रह गया? अली को दीन को ले आओ भाई, और कैमरा ना गिरा देना मेरा, तुम्हें मैं फायर कर दूंगा। एक ही बाइट ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, तुम्हारा ही है, घर ले जाओ, नहीं तो घर ले जाओ। आराम से सोच के, सोच समझ के, एक मिनट, एक मिनट, पूरी खत्म करके, ये जंगली जानवर। हाँ यार लस्सी होती ना, मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता, मैं लस्सी कर देना। वैसे पुलाव मिलेगी लेकिन मीठी लस्सी होना ओपी। अब रेटिंग दे इसकी 9.5। ये फेक रिव्यू वाले ये लोग होते हैं मेरे लिए। जब मैंने फिर सही किया ना, नहीं तुम्हारा बहुत लो होता, तुम्हारे बंदे नहीं, तुम नसो, तुम्हें हम लेके ही नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने तो खाया हुआ है और मुझे बीफ पुलाव बहुत पसंद है। जो टेंडर बीफ है ना, पता क्या बात होती है, बीफ बीफ की बात होती है, बीफ अच्छा हो ना, नॉर्मली लोग बीफ में जो है ना वो डंडी मार देते हैं, इसका बीफ बहुत ज़बरदस्त है, वेरी नाइस, सॉलिड 8.5 out of 10, वेरी गुड पुलाव है तुम्हें, ठीक है, ठीक है। 200 रुपये एक नली का होता है, ठीक है, तो मतलब आप आधा किलो 500 रुपये का और 200 रुपये की नली, 700 रुपये की, तो भाई आधा किलो अगर आपने खाना है तो 500 रुपये का जो है ना पुलाव लें, और साथ 200 रुपये की आप नली साथ ले सकते हैं, 700 रुपये में बीफ पुलाव है नली, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमजा भी आपका कहाँ जा रहे हैं?
यार अब हम सिद्दीक जान जा रहे हैं और भाई जान पैदल का रास्ता 4 मिनट का है और गाड़ी पे 3 मिनट का है। यार फिर गाड़ी पे ही आ जाओ यार, गाड़ी तक जाते जाते 3 मिनट लग जाएंगे। गाड़ी सामने खड़ी हुई है कलमंद आदमी, फिर आगे भी जाना होगा बहुत। मैं तो इजी आ जाओ अभी आप बेटा, तुझे मैं इतना चलाऊंगा ना तू याद करेगा। ये वीडियो में होना चाहिए, पहली दफा मैं आया था इन्होंने मुझे शूट नहीं करने दिया, यहाँ पे नहीं शूट करने दे, अलाउ नहीं करते। फिर इनकी वीडियो इतनी वायरल हुई अब मुझे सारे सलाम कर रहे हैं। हम आपका बहुत नजदीक यार दोस्त, लेकिन फिर भी डॉन का नंबर ढूंढना मुश्किल आसान ही नहीं मुश्किल है। यार अभी हम हैं जी सिद्दीक पुलाव पे, सिद्दीक पुलाव के पीछे चेक करेंगे, मेरे साथ जो है बिरयानियाँ आ रही हैं, साथ ही जो है ना सिद्दीक पुलाव का ट्रेडिशनल जो है वो बीफ पुलाव आ रहा है। चलो 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 बच्चों, और माहौल है भाई, कौन देखो कौन कहते इस्लामाबाद में अच्छा खाना नहीं मिलता। अगर आपने ढूंढा नहीं इस्लामाबाद में अच्छा खाना, द रियलिटी इज़ दैट। ये चेक करो ना बॉयज की, जरा करतब चेक करो जरा। भाई ये बड़े प्रो बॉयज हैं, फुल कराची का सीन हमने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। किधर है भाई है जो है, हमें पता चला कि यहाँ पे बिरयानी भी मिलती है, तो लुक्स वाइज बिरयानी लुक्स वेरी गुड। ठीक है, साथ उन्होंने हमें सही लवाजमात डाल के दिए हैं, कोई सही हैवी किस्म के जो है ना वो लेग पीस आए हैं। ये चेक करो, लग तो मुझे अच्छा रहा है, बट ट्राई देखो भाई, हम बड़ा क्रिटिकल है बिरयानी के बारे में, बड़े क्रिटिकल हैं। साथ ने हमें पूरी पूरी नलियाँ भी दे दी हैं, अल्लाह खैर हो भाई। एक प्लेट मांगी थी, नहीं होगा पैक करा के घर जाके ले जा वालों को खिलाएंगे। वेरी रिच इन फ्लेवर, अच्छा गोश्त है, वेरी गुड, और ओवरऑल आई थिंक जायके में डिफरेंट है, मलंग जान से जायके में डेफिनेटली डिफरेंट है। बिकॉज हर जो है ये लोग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कुछ चर्बी में बनाते हैं, कुछ ऑयल में बनाते हैं। हमजा भाई 10/10, मुझे तो बहुत अच्छा। सीरियसली गुड यार, इसके चावल बहुत ऐसा थोड़े से दलिये टाइप से हैं, बहुत ज़्यादा ही नरम है, थोड़े से सख्त होते तो थोड़ा बेटर होता। क्या रेटिंग देंगे हम इसको? 8 कर लेते हैं। 8 देंगे हाँ भाई, 6.5 out of 10। मैं खाता ही नहीं हूँ। अच्छा भाई तो मेरी रेटिंग भी सुन लें। आई थिंक ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू चावलों की क्वालिटी दिस इज़ बेटर, तो लेकिन गोश्त में आए थे ये इतना अच्छा नहीं है। खैर आई वुड गिव दिस पुलाव अ गुड 8 out of 10। अच्छा भाई तो ये 250 ग्राम की प्लेट है, ठीक है, प्राइस इसकी बनती है सेम कोई 250 रुपीस बनती है। आई थिंक अगर आप 500 आधा किलो लेते हैं तो आराम से एक बंदा आराम से बैठ के खा सकता है, और अगर आप नली के साथ लेते हैं, भाई नली के साथ अगर लें तो कितने का पड़ेगा ये? नली 200 रुपये का लग रहा है। तो भाई सेम प्राइस है इसकी और मलंग जान की प्राइस बिल्कुल सेम है, मतलब अगर आप एक नली ऐड करवाते हैं इसमें तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और नली के साथ। तो आई थिंक वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी, और हमारी जो मेन एम था यार कि हम 500 से नीचे नीचे कोशिश कर रहे हैं वो हमारा अभी तक फट जा रहा है। तो भाई ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा भाई तो इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं पंजाब समोसा हाउस, ये भी G9 का प्रॉब्ली दी मोस्ट पॉपुलर समोसा हाउस, नॉट जस्ट इन बाय द वे G9 पूरे इस्लामाबाद का सबसे पॉपुलर समोसा हाउस है। और आप सिर्फ रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही यार ये रश चेक करो, इतना मज़ा ये कम है बाय द वे। कभी आप इधर आ जाएँ रमज़ान के टाइम में, आप कहेंगे हमजा भाई गलती कर दी यार आपने बता दिया था, बिकॉज रमज़ान में आप इधर लाइनें यहाँ तक चल रही होती हैं। बट एनी वेज एक चीज़ ट्राई में से हम यहाँ पे समोसा चाट ट्राई करते हैं, बिकॉज मैं वैसे सिंपल समोसा इतना खाना मुझे पसंद नहीं है, समोसा चाट इस बाय द वे समथिंग जो हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जलेबियाँ एंड एवरी हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाएगी, बट भाई मज़ा ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कैसा। पंजाब समोसा हाउस की फ्रूट चाट हमारे साथ, पंजाब समोसा हाउस की समोसा चाट हमारे पास आ चुकी, मेरा दिमाग अब तीसरी वीडियो हम कर रहे हैं आज की, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ले चेक करो, रेडी? ओए होए 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 भाई जान, इंतहा ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली दिस नो डाउट दी बेस्ट इन इस्लामाबाद। नाज़रीन कराम, रेहान पाल इस टाइम पे जो है वो समोसा चाट रिव्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस समोसा चाट के बारे में? थोड़ी सी खा लूँ मैं, थोड़ी सी खा ले, मर ले थोड़ा सा और खा ले, पूरी खाए ख़त्म करेगा। दो जगह हम बीफ पुलाव खाने गए, इसने कहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा है ना, मैं कहता हूँ ये बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। उसके अंदर घुस जा, बता ना कि तेरे रेटिंग दे। 9 out of 10। ओए भाई रेहान ने जिंदगी पहली दफा 9 नंबर दिए किसी चीज़ को। अच्छा भाई समोसा चाट की डबल प्लेट की प्राइस है ₹140। आई थिंक इट्स वेरी इकोनॉमिकल कंसिडरिंग आजकल जो डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है और रुपीज़ थोड़ी वैल्यू हो रहा है। दी बेस्ट नो डाउट,
और रियान पॉल ने भी अप्रूव कर दिया, 9 out of 10 दे दिया, फिर तो हम ये कहेंगे भाई इट इज़ एक्चुअली द बेस्ट। सो अदर देन दैट मेरे ख्याल से ट्राई करना मस्ट है। और आई फील लाइक यार कि असल में यहाँ पे चक्कर ये कि ज़रा जगह अलबत्ता आना मुश्किल है, जी नाइन में लोग आते हैं ज़रा फटती है उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली जी नाइन है यार, कोई उठावट बर्गरों को लोग उठावट उठ उठू के ले जाते हैं यहाँ पे, तो वो मसला है। बाकी अलबत्ता यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, पीछे हमारे पीछे पूरी आवाम खड़ी हुई है इस टाइम में उस साइड पर।